लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसलिए इनसे कुछ एक्सपेक्ट करना, ये तो बिल्कुल चांद को उतार के जमीन पे लाने के बराबर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, और एक बार फिर से आप सभी को भाई ईद की राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतने बता दीजिए, चीन ने बताया हमने चीन के कितने मारे हैं, वो बता नहीं रहा। आप लोगों को शायद बताया कुछ पर्सनल कॉन्टेक्ट राहुल गांधी को, कितने मारे हमने चीन के? ठीक है सर, सबसे पहली बात, हमने कितने मारे कितने, इसका खुलासा सरकार को करना है, ना ही राहुल गांधी को करना है, नहीं अमन चोपड़ा को। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चाटुकारिता में पत्रकारिता हमने छोड़ दी है। और सवाल किसको कह रहे हैं, तहसील वाला चीन की चाटुकारिता से बेहतर है सेना की चाटुकारिता करना? नहीं ठीक है सर, चीनी नहीं, आप चाटुकारिता नहीं, तहसील आप पत्रकार, मेरी पत्रकारिता को चाटुकारिता कहेंगे तो मैं चुप नहीं ना रहूंगा ना तहसील। चीन की चाटुकारिता से बेहतर है सेना की चाटुकार, हाँ मैं हूँ सेना का चाटुकार, चलिए ठीक है, चलिए तहसील पूनावाला मैं हूँ सेना का चाटुकार, और मेरे ख्याल से देश का हर भारतीय सेना का चाटुकार है, मैं हूँ सेना का चाटुकार और मुझे सेना का चाटुकार होने में गर्व है। चीन का चाटुकार मत बनिए कम से कम, ओके सर, चीन का चाटुकार मत बनिए, ठीक है, और आज के बाद पत्रकारिता को चाटुकारिता मत कहिएगा तहसील, मुझे माफ करिएगा, बीच में आपको टोकना पड़ा, आपको समझाना पड़ा, आज के बाद मत कहिएगा। आ रहा हूँ सुधांशु, चला जाएगा तो लोग ये भी यकीन रखेंगे कि नमाज करने से कोरोना चला जाएगा, इसमें क्या बुराई है? नमाज पढ़ने से कोरोना चला जाएगा, आज आप एडमिनिस्ट्रेशन का सारे डॉक्टर्स को घर बिठा देते हैं, मौलवियों को भेज देते हैं इलाज के। जुबानी पत्थरबाजी बंद करिए ना, एक एक करके बोलेंगे, आपने बोला वो सुन रहे थे, अब उनको बोलने दीजिए, आप बीच में जुबानी पत्थरबाजी मत करिएगा प्लीज, ठीक। अब एक मिनट कोई बीच में नहीं बोलेगा, हो गया वकार साहब, बस वकार साहब आपसे नहीं सीखूंगा पत्रकारिता। जमातियों का समर्थन करने बैठ जाते हैं थूकबाज पत्थरबाज जमातियों का, एक मिनट शांत रहिए अब आप, और ये धमकी मत दिया करिए बार बार टीवी पर बैठकर, आप शुरुआत से जब से बैठे तब से धमकी दे रहे हैं, क्या करेंगे आप धमकी दे रहे हैं बैठकर, पत्थर मरवाएंगे अपने मोहल्ले में बुलवाकर, आप गोली मारेंगे मुझे, चलिए शांत रहिए बाप, क्या तरीका है? संबित पात्रा एक एक करके बोलिए, हो गया वकार साहब, बस वकार साहब हो गया, बचा लिया अपने जमातियों को, हो गया। अब्दुल रजाक खान, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक है ना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब ऑडियो नहीं जा रहा होगा अमन जी, क्या नहीं, क्यों नहीं, उनको कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल रजाक खान जा रहा है, वो गूगल करेंगे कुछ भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? जरा सैयद एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक मिनट ऑडियो सबका बंद, अब्दुल रजाक खान ऑन द स्क्रीन, अब्दुल रजाक खान कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल रजाक खान आवाज चली गई, देखिए नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, इतना मत एक्ट करिए कि आवाज नहीं आ रही, आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी थी? ए ओ ह्यूम ने की थी, और सेफ्टी वॉल्व के लिए आपको पता है अंग्रेज, ये बता दीजिए इनको, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम, चलिए आवाज मैं आपको बता देता हूँ, ये अंग्रेज था, कौन था ये अंग्रेज आप जानते हैं? कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला एक अंग्रेज। चलिए अब मैं आपकी आंखें खोलता हूँ, ये एक किताब है विक्रम संबत की, एक बार इसको पढ़िएगा सर, मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की पिछले कुछ दिनों से, पन्ना नंबर 20 है, इसमें लिखा गया कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी, अब तक आवाज पहुंच रही है, बहुत आसानी से पहुंच रही है, 1857 की क्रांति का दोहरा दोबारा ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, और उसमें लिखा गया कांग्रेस हैड नो इंटेंशंस ऑफ सीकिंग इंडिपेंडेंस, कांग्रेस की ब्रिटिश रूल से आजादी लेने की कोई मंशा ही नहीं थी, और ये लॉयल्टी मतलब ये प्लेज अनस्वेरिंग लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्राउन, अब्दुल रजाक खान एक अंग्रेज ने करी थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना, आपको ये नहीं पता मैं क्या
एक अंग्रेज ने करी पार्टी की स्थापना, सावरकर 1857 की क्रांति के गर्व का एहसास कराने वाले सावरकर, वो 1857 की क्रांति का दोबारा दोहराव ना हो कांग्रेस पार्टी का गठन, और जिसने की वो उस वक्त इटावा का कलेक्टर था ये एओ ह्यूम। ये बहुत चीजें हैं जो इतिहास में ना गायब कर दी जाती है कुछ, अगर आपके पीछे भी फ्रेम में बड़ी किताबें लगाते हैं आप लोग, ये जितने हैं तनवीर अहमद से लेकर अब्दुल रजा खान, फ्रेम में बड़ी सारी किताबें लगाई जाती हैं, एक थोड़ा पढ़ भी लीजिए ना किताब। सावरकर के बारे में अब आवाज पहुंच गई, अब आवाज पहुंच गई। अगर ये काल्पनिक अगर हम कर सकते हैं तो भगवान राम, तो आपने कहा है कि हमने बार बार सुना है ये कि कण कण में बसते हैं भगवान राम, तो भगवान राम दिल्ली के अंदर भी बसते होंगे, वजीर आजम साहब के घर में भी बसते होंगे, तो वहां पर उनको बिठाइए और उनको कहिएगा कि जिस तरह से मुसलमान काल्पनिक तरीके से अपना त्योहार मनाने वाले है, उसी तरह से कल्पना के अंदर लेके आइए कि भगवान राम मेरे सामने है और मैं भूमि पूजन उसका कर रहा हूं करके। लेकिन हमारे लिए अलग कानून सुधांशु साहब और अपने लिए अलग कानून, ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा? और हर चीज को आप मजहब के धर्म के चश्मे से अगर देखेंगे तो हमने भी रमजान ईद मनाई ना, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता था, बैठ कर पूरा रमजान का महीना हमने साहब, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, फिर पैगंबर साहब प्रॉफेट मोहम्मद साहब हर जगह बसते हैं तो मक्का क्यों जाते हैं आप, मोहम्मद साहब हर जगह है ना तो मक्का क्यों जाते हैं? नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा कि भाई गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म की थोड़ी ना, ताली दो हाथों से बजेगी। हमने आम तौर पर देखा, हम लोग मिलते हैं सलाम अस्सलाम वालेकुम, हम हर चीज कहते हैं, आप लोग कहते हैं राम राम, कहते हैं राम राम, आप लोग नहीं कहते भाई। हमने मंदिर में इफ्तारी भी देखी है, मंदिर में नमाज भी देखी है, मस्जिदों में हवन पूजा होता है क्या, लंगर होता है क्या, नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी ना, कहिए राम राम अमन जी, जय श्री राम। देखिए अपनी बात सुनिए, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, सुनिए सलाम अस्सलाम वालेकुम, मैं बोलता हूं, मैं तो कम्युनल नहीं हूं, आप बोलिए जय श्री राम, दो हाथों से ताली बजाइए ना, मिलके भी रहना है, गंगा जमुनी तहजीब भी दिखानी है, आप नहीं बोलेंगे, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी बात सुनिए, हाँ बोलिए जय श्री राम, राम राम अमन भाई, जय श्री राम अमन भाई। देखिए सुनिए, हाँ बेंगलुरु में, जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई, अस्सलाम वालेकुम नदीमुद्दीन जी, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम नदीमुद्दीन जी, बोलिए जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई। ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। गंगा जमुनी तहजीब लेक्चर देना बहुत आसान होता है, एक सेकंड में जबान बंद हो जाती है आप लोगों की। हमारे अटल बिहारी वारी वाजपेयी ने जो एक कमेटी बनाई थी उसको आपने दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया क्या? आपने किसी भी तरह की कोई ईमानदारी से तैयारी नहीं की, प्रोसीडिंग के विषय में किसी भी तरह की पहला कदम मंदिर बनाने के लिए नहीं उठाया, आप चार साल तक बेवकूफ बनाते रहे, 19 आते आते आपने रविशंकर जी को लगा दिया कि महाराज आप संभालिए हम पीछे से खड़े हैं, उनकी जो भाषा बदली वो आपने बदली, उनकी जो मंशा बदली वो आपने बदली, आपने तमाम उन कामों को नहीं किया जो देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा सुलझाया जा सकता था। प्रधानमंत्री दुनिया में जाके बात करते हैं, शहजाद पूना वाले की बात करते हैं, वो हर छोटे छोटे मुद्दों की बात करते हैं, वो मंदिर मस्जिद की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री ने अब तक सभी उन मुद्दों को उठाया जो पार्टी के विरुद्ध थे, उन्होंने उस मुद्दे को क्यों उठाया? दो सीटों से आज सत्ता में आप आ गए, आज पूरा आप खराब हो जाए, पूरे दुनिया में घूम चुके, विश्व भ्रमण कर लिया, क्या इस देश के उस बड़े मुद्दे को जहाँ हजारों लोगों की जहाँ उस मुद्दे को जो इस देश गाली हो चुके हैं, शिशुपाल मत बनो, जो देश को पूरे शिशुपाल मत बनो मौलाना, चाहते हैं मौलाना वॉर में मौलाना 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, शिशुपाल बैठ जा, मौलाना बैठ, क्या काम बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, घोड़े खोल ले मंदिर वही बनेगा मौलाना, तो धन्यवाद मेरे भाई, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है, अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, जय श्री राम।